नमस्कार दोस्तों, YouTube के प्राइम अकेडमी इस चैनल पर मैं ऑप्शन गुरु नरेश यावलकर आपका स्वागत करता हूं। यह चैनल जो है YouTube के प्राइम अकेडमी के ऑप्शन साइंस इन स्टॉक मार्केट इस श्रृंखला का एक एपिसोड है। तो दोस्तों, मेरे बारे में कुछ जानकारी अगर चाहिए तो मेरा जो पहला वीडियो है इंट्रोडक्टरी वीडियो, जहाँ पर मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, वह आप जरूर देखिए। वहाँ पर मेरा शेयर मार्केट का अनुभव, मेरा ऑप्शन साइंस का अनुभव, जैसे कि मैंने अराउंड 50 आर्टिकल्स लोकसत्ता एक जाने माने न्यूज़पेपरों में लिखे हैं और कई मैगजीन्स में मैंने लिखे, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ताकि आप आने वाले जो वीडियोस में हम अलग अलग साइंस के बारे में, ऑप्शन साइंस के बारे में जो सीखने वाले हैं, उसके लिए आपको सीखने में मज़ा आएगा और आपको लगेगा कि आप राइट पर्सन से, राइट व्यक्ति से आप ऑप्शन साइंस सीख रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ऑप्शन के प्राइस पर अलग अलग फैक्टर्स जो है, उस अलग अलग फैक्टर्स का कैसा परिणाम होता है। हमने देखा है कि फ्यूचर के प्राइस पर केवल स्टॉक प्राइस का ही परिणाम होता है। जैसे अगर स्टॉक प्राइस अगर एक रुपये से बढ़ता है तो फ्यूचर की प्राइस एक रुपये से बढ़ती है, या स्टॉक प्राइस अगर एक रुपये से उतरती है तो फ्यूचर की प्राइस एक रुपये से उतरती है, क्योंकि फ्यूचर का डेल्टा एक रहता है। यह 100% ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन 99.99% जैसे स्टॉक में होता है उसी तरह से फ्यूचर में होता है। लेकिन ऑप्शंस के जो प्राइस रहती है, प्रीमियम रहती है, उस पर अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं, अनेक चीज़ों का परिणाम होता है। जैसे डेल्टा जो हम सीखने वाले हैं डिटेल में, उस जब डेल्टा का सब्जेक्ट निकलेगा तब उस एपिसोड में हम डेल्टा के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। थीटा के बारे में भी उस एपिसोड में जब हम सीखेंगे तब ज़्यादा जानकारी लेंगे, विस्तार से स्टडी करेंगे। वेगा, गामा, इन सब चीज़ों का हम उस एपिसोड में ज़्यादा स्टडी करेंगे। लेकिन आज ये क्या है, डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, वेगा क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। डिटेल में हम अलग अलग उस एपिसोड में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज केवल हम ओवरव्यू देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पीपीटी पर जाएंगे, जहाँ पर हम किसी ऑप्शन प्राइस पर, किसी स्ट्राइक के, किसी शेयर के स्ट्राइक के, किसी भी ऑप्शन प्राइस पर, भले वो कॉल हो या पुट हो, उसकी प्रीमियम किस तरह से बदलती है और कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ये जानने के लिए हम पीपीटी पे जाएंगे। तो दोस्तों, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, उन फैक्टर्स को ग्रिक्स भी कहा जाता है, जो कॉल और पुट पर उसके प्राइस पर अफेक्ट करते हैं। तो करंट स्टॉक प्राइस जो रहती है शेयर मार्केट की, मतलब उस स्टॉक की प्राइस जो रहती है, वो तो चेंजिंग रहती है, हर मिनट में, हर सेकंड में चेंज होती रहती है। तो उसके चेंज के वजह से कॉल या पुट के प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, यह हम जानने के लिए डेल्टा का उपयोग करते हैं। तो डेल्टा को ध्यान में कैसे रखेंगे कि स्टॉक प्राइस का डायरेक्शन के वजह से जो परिणाम होता है कॉल या पुट पर, उसको हम डेल्टा के द्वारा स्टडी करेंगे। तो ध्यान में कैसे रखोगे, डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डायरेक्शन, स्टॉक प्राइस का डायरेक्शन का डी और डेल्टा का डी, वो ध्यान में आकर रखिए। तो अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो कॉल का भाव बढ़ता है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि कॉल का डेल्टा पॉजिटिव होता है। अब वो कितना पॉजिटिव होता है, वो हम विस्तार से जब डेल्टा में हम जाएंगे उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उस पर ज़्यादा स्टडी करेंगे। अब उसी तरह से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पुट का भाव कम होता है, इसके लिए हम पुट का डेल्टा निगेटिव कहते हैं, पुट का डेल्टा निगेटिव बोलते हैं। वो कितना निगेटिव होता है या कॉल का डेल्टा कितना पॉजिटिव होता है, वो डेल्टा के जब हम उस एपिसोड में जाएंगे तो ज़्यादा डिटेल्स में जानेंगे। एक्सपायरेशन टाइम अनदर फैक्टर, तो एक्सपायरेशन टाइम तो हर वक्त कम ही होने वाली है, रिड्यूस ही होती है, वो तो बढ़ तो नहीं सकती, क्योंकि एवरी डे एक जैसे एक एक दिन कम होता है, वैसा वैसा एक्सपायरेशन टाइम, मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सपायर होने वाले हैं, वो डेट नज़दीक आती है, इसके लिए वो एक्सपायरेशन टाइम रिड्यूस होता है। तो उसका परिणाम जो स्टडी करते हैं वो थीटा के वजह से,
थीटा को अभ्यास करके करते हैं, और कॉल और पुट दोनों की प्राइस कम होती है क्योंकि एक्सपायरेशन टाइम हर दिन कम कम होने वाली है। हम जनरली एक दिन की बात करते हैं लेकिन वो हर मिनट में कम होती है, हमको होती रहती है। अच्छा, इसमें सैटरडे संडे भी इंक्लूड हो जाते हैं, छुट्टी के दिन भी इंक्लूड हो जाते हैं। आप ऐसा ना समझें कि कॉल और पुट के भाव केवल मार्केट चालू जिस दिन में रहता है वर्किंग डेज में ही कम होते हैं, ऐसा नहीं है। और तो फिर एक्सपायरेशन के टाइम के वजह से, मतलब एक एक दिन जब कम होता है तो उसके वजह से जो कॉल और पुट की कीमत कम होती है उसका स्टडी हम थीटा द्वारा करेंगे, वो डिटेल में हम स्टडी करेंगे। दूसरी बात है प्राइस वोलेटिलिटी। प्राइस वोलेटिलिटी तो ये तो बहुत रीजंस के वजह से मार्केट वोलेटाइल होता है। इलेक्शंस आ गए समझ लो, या समझ लो किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, या आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, तो इसके वजह से मार्केट वोलेटाइल होता है। तो ये वोलेटिलिटी क्या चीज़ है, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्या चीज़ है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या चीज़ है, वो हम विस्तार से उस श्रृंखला में, श्रृंखला के उस एपिसोड में स्टडी करेंगे। अभी केवल इतना आप ध्यान में रखिए कि वोलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो ऑप्शन के प्राइस बढ़ते हैं, मतलब कॉल के ऑप्शन की भी प्राइस बढ़ती है या पुट के पुट ऑप्शन के भी प्राइस बढ़ती है। जो कॉमन रहता है वो रहता है स्ट्राइक प्राइस। जब तक उस स्ट्राइक प्राइस में हो तब तक स्ट्राइक प्राइस वहीं रहेगी, लेकिन उसका जो प्रीमियम है, उसके ऑप्शन का प्रीमियम है, कॉल या पुट दोनों का अलग अलग होते रहेगा। दोनों का अलग होता है बिकॉज ऑफ द डेल्टा, बिकॉज ऑफ द थीटा, वेगा, गामा, रो, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। उसमें से रो हम स्टडी नहीं करते, रो बेसिकली इंटरेस्ट रेट के वजह से होने वाले डिफरेंस पर स्टडी किया जाता है। तो इंटरेस्ट, अपने इंडिया में इंटरेस्ट रेट तो रोज बदलता नहीं है, तो इसके लिए हम रो का स्टडी नहीं करते और गामा का भी ज़्यादा स्टडी नहीं करते। लेकिन डेल्टा, थीटा, वेगा इतने भी अगर आपको समझ में आ गया, ये डेल्टा, थीटा, गामा किसी स्ट्राइक का स्टडी करने के लिए उस कंपनी का या उस शेयर का आईवी देखना जरूरी होता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जिसको बोलते हैं। और वही इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कितने दिन एक्सपायरी को है, अवेलेबल है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों चीज़ें किसी फार्मूले में डाल के ब्लैक-स्कोल्स फार्मूला कहते हैं, तो हमको उस स्ट्राइक की करेक्ट प्राइस क्या होनी चाहिए, उसका डेल्टा, थीटा, वेगा क्या है, ये हम समझ में आते हैं। दोस्तों, मेरा खुद का एक कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर में हम अगर डालते हैं पूरे के पूरे फिगर्स तो हमको करेक्ट प्राइस मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि हिंडाल्को का एग्जांपल लेते हैं। अब हिंडाल्को का करंट भाव है 199.55। अब एग्जैक्ट प्राइस होनी चाहिए एक्चुअली स्टडी करने के लिए, एग्जैक्ट अगर उसका प्राइस देखने के लिए, लेकिन हम रफली लेते हैं। और तो हम यहाँ एग्जैक्ट प्राइस देने के बजाय हम हिंडाल्को का भाव 200 है ऐसा समझते हैं, 199.55 के बजाय हम 200 लेते हैं। उसके बाद में इसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी देखते हैं, ये 200 का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 36.68 है, वही लेते हैं। फिर मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अलग अलग तरीके से स्टडी की जाती है। कभी कभी एवरेज लिया जाता है, कभी कभी इस सीरीज़ का और नेक्स्ट सीरीज़ का और उसके नेक्स्ट सीरीज़ का, ऐसे तीन सीरीज़ का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी ध्यान में रखा जाता है और उसके बेसिस पर एवरेज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ली जाती है। तो खैर, हम यहाँ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी लेते हैं 36.68 समझ लो, और नंबर ऑफ डेज हैं, आज की डेट है, आज की तारीख है 13 तारीख है, 13 फरवरी, और इसकी एक्सपायरी जो है वो है 28 फरवरी की। तो 28 फरवरी माइनस 13 दिन तो आज 15 दिन है। तो ये तीनों चीज़ें हम अपने फार्मूले में डालते हैं और जो मेरा खुद का कैलकुलेटर है उस कैलकुलेटर में समझने की कोशिश करते हैं कि उसका करेक्ट प्राइस क्या होना चाहिए। तो चलिए हम हिंडाल्को की प्राइस यहाँ पर डालते हैं। हिंडाल्को की प्राइस है 199। हम
0.55 ठीक है, 199.55 लेते हैं। रिस्क फ्री इंटरेस्ट बैंक का 7% है, वो 7% ही हम लेंगे। और हम स्ट्राइक प्राइस देते हैं, जैसे 200 के स्ट्राइक प्राइस देते हैं एग्जांपल के तौर पर हम कर रहे हैं। और टाइम टू एक्सपायरेशन कितने दिन एक्सपायरी को है, तो हमने देखा कि 15 दिन एक्सपायरी को है, तो हम 15 लिख लेते हैं। और ये एनालाइज वोलेटिलिटी है जिसमें हमने 36.68 कुछ लिखा है, तो 36.68 लेते हैं। तो कॉल की प्राइस 5.98 होनी चाहिए और पुट की प्राइस 5.85 होनी चाहिए। तो देखते हैं कि करेक्ट प्राइस क्या है, ताकि हमें 200 का कॉल और पुट 5.85 to 6 रुपीज़ है, और इसका भी 5.95 to 6 है। तो आपने देखा ये जो कैलकुलेटर है, ये साइंटिफिकली बनाया हुआ कैलकुलेटर है, बहुत ही साइंटिफिकली बनाया हुआ है। यहाँ फार्मूलेज आपको नहीं दिखेंगे, बिहाइंड है ये। मेरा कैलकुलेटर का सबसे विशेषता ये है कि ये एडिटेबल है। कल अगर मार्केट 10 रुपये ऊपर जाता है तो मेरे कॉल की या पुट की प्राइस क्या रहेगी, ये हम यहाँ जान सकते हैं। ये बहुत ही उम्दे किस्म का एक कैलकुलेटर है, एडिटेबल है। और जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर आज के आज समझ लो, ये 2 रुपया बढ़ता है, 202 रुपये में जाता है, तो कॉल की प्राइस कितनी होनी चाहिए, 2 रुपये बढ़ जाएगी, पुट की भाई प्राइस कम हो जाए। तो ये सब हम कर सकते हैं लोग। तो ये हम जब हम साइंटिफिकली सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, तो हम बहुत ही गहराई से एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ट्रेड लिया जाता है। तो डेल्टा का मतलब सिंपल ये है कि अगर मार्केट ऊपर गया तो कॉल का भाव कितना बढ़ेगा या पुट का भाव कितना घटेगा। थीटा का मतलब ये है कि हर एक दिन में कितना रुपये का नुकसान होगा। और गामा का इफेक्ट है कि ये डेल्टा किस तरह से बढ़ेगा या उतरेगा। और वेगा का मतलब होता है वोलेटिलिटी के वजह से इसका परिणाम कितना होगा ऑप्शन के प्राइस पे। रो एक है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ रुकूँगा। मैं केवल यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑप्शन साइंस साइंटिफिकली सीखना चाहते हैं तो आपको YouTube के मेरे एपिसोड्स कंटिन्यूसली रीड करने चाहिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस कंटिन्यूसली मिल सकेंगे। और अगर आप ऑप्शन साइंस साइंटिफिकली सीखना चाहते हैं और करंट मार्केट को ध्यान में रख के कौन सी स्ट्रैटेजी बैठाना यह जानना चाहते हैं, तो आप ऑप्शन ग्रीक से चल डेल्टा थीटा वेगा गामा इत्यादि साइंटिफिकली समझना चाहते हैं, तो यह सब आप YouTube के प्राइम अकेडमी इस चैनल पर सीख सकते हैं या मेरे इंस्टीट्यूट प्राइम अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरे इंस्टीट्यूट मैग्नेट मॉल भांडुप स्टेशन के पास है। यह कोर्स वेबिनार द्वारा भी आप सीख सकते हैं। यह कोर्स रियल ट्रेड में रियल पैसे से ट्रेड लेकर हम सिखाते हैं। आप मेरे वेबसाइट primetechnicals.com में जाके डिटेल्स जान सकते हैं, मेरे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स पढ़ सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पैसा कमाएं इस शुभकामना के साथ ऑप्शंस गुरु नरेश आपसे विदा होता है। धन्यवाद।